بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين ورحمة العالمين. How to control exam anxiety? Exam anxiety को कैसे control किया जाए? This is something which is common to everybody. Exam जब तक ना हो जाए anxiety दूर नहीं होती. तो एक चीज आप lucky हैं कि anxiety दूर हो जानी है after examination. ठीक है जी. यानी एक होता है ना, सबसे बड़ी एंग्जाइटी वाली बात तो ये होती है जिसका हल ना हो. एक तो हल ये है कि आफ्टर एग्जाम आई विल टेल यू योर एंग्जाइटी विल बी गॉन. ये तो चलो लाइट नोट है उस पर, लेकिन असल चीज ये है कि किसी भी एग्जाम हो या चैलेंज हो, उसकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जैसे फराद भट्ट साहब ने कहा, वो है द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. और जितनी आप प्रिपेयर्ड होंगे उतने ही आप में कॉन्फिडेंस होगा. बल्कि एक और ख्वाहिश पैदा होती है कि अब तैयारी हो गई है, अब एग्जाम भी तो हो ना, मुझे टेस्ट भी किया जाए ना, जब तैयारी कर बैठा हूँ, ताकि मुझे मार्क्स मिले, मुझे रिवार्ड मिले. एक बात. दूसरा आता है कि ये जो प्रिपरेशन लेवल है, ये प्रिपरेशन की भी कोई डायमेंशंस हैं. प्रिपरेशन की डायमेंशंस ये होती हैं कि यू मस्ट बी क्लियर अबाउट वन थिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड देन यू शुड हैव सफिशिएंट क्वालिटी मटेरियल विद यू एंड यू हैव टू स्टडी दैट. ये एक लॉजिकल तरीका है तैयारी का कि आपको मालूम हो पूरा कोर्स क्या है प्रेस्क्राइब, जिसमें आपको एवेलुएट किया जाना है, और उसके लिए आपके पास रेलेवेंट मटेरियल. अब बताएं आपने ये काम कर लिया तो फिर हर बंदे की एंजाइटी का लेवल बहुत नीचे आ जाए. फिर एक एवेलुएशन का तरीका होता है मजीद अपने आप को रिलैक्स करने का, कि पास्ट में उस तरह के अगर क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आप जरा देखें कि क्या आप उनको हल करने की पोजीशन में हैं. अगर आप पिछले 5-6 साल के उस तरह के क्वेश्चंस देखें और उनके आंसर आपको जहन में आ रहे हों, तो समझें आप यू आर रियली राइटली प्रिपेयर्ड पर्सन. इसके बाद एक एज ए मुस्लिम हमारा एक और तसव्वुर होता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं सही को रिवार्ड करता हूँ. मेरा एक कानून है, फार्मूला है, जो कोशिश करेगा उसको मैं रिवार्ड करता हूँ. अब आपने उस एंगल से भी कोशिश कर ली और आपका ईमान होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बी रिवार्डेड नाउ बिकॉज इट इज द सेइंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी. ये चीज. अगली बात इससे ये है एज ए मुस्लिम कि वो कहता है कि एफर्ट करने के बाद अगर आप उससे दुआ भी कर लें कि अल्लाह अब तू मेरी मेंटल पोजीशन, मेरी फिजिकल सेटअप, मेरा सब कुछ बिल्कुल कायम रखिएगा, ताकि मैं इंटेलेक्चुअली, रैशनली, एकेडमिकली, आइडियली परफॉर्म कर सकूं. अब मुझे आपकी मदद भी दरकार है. इससे क्या होगा, वो और खुश हो जाएगा कि इसने अपनी कोशिशों पर ही सारा इंसार नहीं रखा, इसके बावजूद मेरी पावर्स को भी इन्वोक कर रहा है और मुझे एसोसिएट कर रहा है, मुझसे दुआएं मांग रहा है. अब आपकी एफर्ट जो है इबादत की एक बुलंद सतह पर पहुंच गई. मैं बताऊं, कामयाबी नाकामी बाद की बात है, अल्लाह की नजर में एक ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच गए, तो इम्तिहान क्या निकला, आपको अल्लाह के करीब चले गए.